1.46 लाख करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब बेनिफिट्स डिक्लेयर किए हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं कि ये पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, ये इंसेंटिव स्कीम क्यों आई है, और अभी ये जो 1.46 लाख करोड़ रुपीस का बेनिफिट दिया गया है, सो कौन से सेक्टर को कितना बेनिफिट दिया गया है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। सो पहले बात करते हैं व्हाट इज दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये क्यों लॉन्च हुई है, तो इन ऑर्डर टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कट डाउन ऑन इंपोर्ट बिल्स। तो यहां पे जैसे ही ये प्रॉब्लम कोरोना का, कोविड का प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तो वहां से ये जो आत्मनिर्भर भारत, ये जो एक थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ, तो वहां जो प्रोडक्शन है, जो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, तो वो कम करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। तो वो इंसेंटिव्स देने के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने के लिए, इंपोर्ट बिल्स को कट डाउन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंडर पहले ये इंसेंटिव स्कीम्स चलाई थी, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो, या फिर मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर मोबाइल एंड अलाइड इक्विपमेंट एज वेल। तो ये तीन सेक्टर्स में पहले ये इंसेंटिव्स दिए गए थे, बट नाउ दीज इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड अप टू 10 सेक्टर्स। तो वहां पे ये 10 सेक्टर्स कौन से और वहां कितना बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हमने देख लिया व्हाट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, तो ये इसकी जरूरत क्या आ रही थी। तो जैसे आप लोगों को पता है द बिगेस्ट प्रॉब्लम अगर हम कुछ देखेंगे तो वो हमारा है, वो है इंपोर्ट बिल्स का। और ठीक है भाई, नेसेसरी इंपोर्ट्स में हम बात कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल इंपोर्ट्स, जहां पे पेट्रोल और डीजल यहां पे प्रोडक्शन होता नहीं है उतने ऑयल में, ऑयल रिजर्व्स हमारे पास नहीं है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कीप ऑन इंपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। सो टू रन एन इकोनॉमी, टू रन अ कंट्री, डेफिनेटली वी नीड दीज ऑयल्स। तो वहां पे डीजल पेट्रोल का इंपोर्ट तो हमें समझ में आता है, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंपोर्टिंग फार्मास्यूटिकल एपीआईज ऑल्सो। तो यहां पे जो चीज हम यहां मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन है सारा, तो हम यहां पे क्यों ना करें। तो वहां प्रॉब्लम होता है सबसे बड़ा, वो है कि भाई ये जो कॉस्ट है, अगर यहां पे प्रोड्यूस करना है तो वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एंड दीज मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट इन अ पोजिशन कि वो कॉस्ट कंपीट कर पाए जो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर ताइवान मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर वियतनाम की हम बात करते हैं तो उनके साथ। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला भाई ठीक है, चलो गॉट योर पॉइंट। और वैसे भी जो ये प्रॉब्लम हुआ है अभी रिसेंटली, जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे प्रॉब्लम हुआ, तो आई थिंक उसका एक सबसे बेस्ट अगर कोई रिप्लाई इंडिया की साइड से जा सकता है वो होगा डेफिनेटली, अगर हम अपना मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करते हैं और उनकी तरफ से वो इंपोर्ट्स हम कम करते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी अ बिफिटिंग रिप्लाई टू चाइना। और वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पे करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां क्या है, क्यों है, इसके बारे में हमने बात किया, ये पीएलआई स्कीम क्या, बट अभी बात करते हैं कि स्पेसिफिक सेक्टर वाइज कौन से सेक्टर को कितना बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जाने वाला है अंडर दिस पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। तो 10 की सेक्टर्स है जिसके लिए ये बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, कैबिनेट ने वो अप्रूव भी किया है ये पर्टिकुलर स्कीम को। तो पहला सेक्टर है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, एसीसी बैटरी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे इस पर्टिकुलर सेक्टर को 18,100 करोड़ रुपीज का बेनिफिट दिया गया है अंडर दिस पीएलआई स्कीम। द सेकेंड सेक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, तो यहां 5,000 करोड़ रुपीज का बेनिफिट दिया गया है। थर्ड सेक्टर इज ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कॉम्पोनेंट्स, इस सेक्टर को सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया गया है और रिक्वायर्ड भी था। एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, इकोनॉमी की जो साइकिल रिवाइव होती हुई नजर आती है, जो साइकिल रिवाइव मतलब वापस अपवर्ड ट्रेंड में जाती है, उसमें ऑटो सेक्टर एक सेक्टर है जिसको पहले सबसे पहले देखा जाता है। तो वहां पे 57,042 करोड़ रुपीज,
57,000 करोड़ रुपीज का बेनिफिट अंडर दिस पीएलआई स्कीम दिया गया है। तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर एंड ऑटो एंसिलरी सेक्टर ऑल्सो, ये दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सो वी विल नॉट बी सरप्राइज, इसका बेनिफिट बहुत सारे ऑटो कंपनीज को मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो इसीलिए जल्द ही हमारा जो यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी चैनल है उस पर ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरी सेक्टर पे एक एनालिसिस आप लोगों के लिए जरूर, एक डिटेल एनालिसिस हम प्रेजेंट करेंगे। सो 57,000 करोड़ रुपीज का बेनिफिट ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी सेक्टर को मिला है। फोर्थ सेक्टर इज फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, तो यहां पे इस पर्टिकुलर सेक्टर को भी 15,000 करोड़ रुपीज का बेनिफिट दिया गया है। एपीआईज पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं ऑन चाइना, तो वहां पे वो पर्टिकुलर चीज को रिप्लेस करने के लिए की कोशिश यहां पे हो रही है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसीलिए ये पीएलआई स्कीम के अंडर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को भी इंक्लूड किया गया है, 15,000 करोड़ रुपीज का बेनिफिट दिया गया है। देन द नेक्स्ट वन इज टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, तो यहां जैसे कि 4G तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 5G, तो वहां टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा डिमांड आ सकता है। तो उसको भी एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12,195 करोड़ रुपीज का बेनिफिट इस सेक्टर को दिया है। द नेक्स्ट सेक्टर इज टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे एमएमएफ सेगमेंट एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स, तो ये जो सेक्टर्स है, सब सेक्टर्स है, इनको मिला के 10,683 करोड़ रुपीज का बेनिफिट दिया गया है अंडर दिस पीएलआई स्कीम। नेक्स्ट सेक्टर इज फूड प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे भी 10,900 करोड़ रुपीज का सपोर्ट पीएलआई स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है। द नेक्स्ट वन इज हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, तो यहां 4,500 करोड़ रुपीज का बेनिफिट इस सेक्टर को दिया गया है। व्हाइट गुड्स जिसमें एसीज एंड एलईडीज आएंगे, तो उसको भी 6,238 करोड़ रुपीज का बेनिफिट यहां पे दिया गया है। तो जो जो ये कंपनीज होंगी ना, जो लिस्टेड होगी अंडर दीज सेक्टर्स, आई थिंक दे आर गोइंग टू गेट बेनिफिट्स, और उसमें इम्पैक्ट इवन देयर स्टॉक प्राइसेस पे भी दिखता हुआ नजर आ सकता है। द लास्ट सेक्टर इज स्पेशलिटी स्टील, तो यहां पे 6,322 करोड़ रुपीज का बेनिफिट दिया गया है। और इसीलिए आज टाटा स्टील जो कंपनी है उसका स्टॉक मोर देन 7-8% ग्रो हुआ है। सो आई थिंक ये जो पर्टिकुलर बेनिफिट्स होंगे, भले ही वो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कब होगा, उसका एक्चुअल बेनिफिट कब मिलेगा, उसको टाइम लग सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म फेनोमेना, दिस कैन गो अप टू 3 to 5 years ऑल्सो, बट मार्केट जो होता है वो उसका इंपैक्ट जो होता है वो इमीडिएटली दे देता है, बिकॉज मार्केट इज ऑल अबाउट डिस्काउंटिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज। तो यहां पे अगर फ्यूचर कैश फ्लोज बढ़ते हुए नजर आएंगे तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ऑलरेडी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट देना शुरू कर देता है। तो ये सारे सेक्टर्स अगर हम इंक्लूड कर देंगे, सो 1,45,980 करोड़ रुपीज का ये टोटल बेनिफिट फॉर दीज 10 सेक्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर दिया है। सो डेफिनेटली इट इज अ वेलकम मूव, और आने वाले समय में वी विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर इसका मल्टीप्लायर इंपैक्ट पॉजिटिव होता है ऑन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज द GDP, सो डोंट बी सरप्राइज्ड। फिर वहां पे भी एक आई थिंक ये पर्टिकुलर चीज कैन कंटिन्यू, एंड जो एक सपना है हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, शायद वो इंप्लीमेंट करने के, वो फुलफिल करने के लिए ये एक वेलकम स्टेप हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और हैप्पी दिवाली। ये कूपन कोड आप लोगों ने अगर अभी तक यूज नहीं किया है तो investyndia.in को विजिट कीजिए, वहां पे हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड आप हमारे सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे ले सकते हो। 20% का डिस्काउंट आपको प्रोडक्ट्स पे मिलेगा ये सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे, और अगर आप कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो तो ये जो डिस्काउंट है वो 20% से अप टू 40% तक भी मिल सकता है। तो मैं आशा करूंगा कि आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करेंगे, और इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप हमें कॉल कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज रिगार्डिंग दीज रिसर्च प्रोडक्ट। तो ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।